वाले शातिर आरोपी को बड़े ही शातिर तरीके से तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद हुसैन अंसारी 25 वर्षीय यशोधरा नगर निवासी बताया जा रहा है। तहसील पुलिस स्टेशन में वैभव संजय चिंचखेड़े नामक युवक ने अपनी होंडा स्प्लेंडर गाड़ी क्रमांक MH49M7594 जिसे उसने मियो हॉस्पिटल के कैजुअलिटी पार्किंग के पास खड़ा किया था, वहीं से उसकी टू व्हीलर गाड़ी को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ले गए, जिसकी शिकायत उसने तहसील पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। आखिरकार उसकी टू व्हीलर गाड़ी के चोरी करने की बात सामने आते ही पुलिस ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए सड़क के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आखिरकार आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस स्टेशन तहसील अपराध क्रमांक 498/22/389 आहे। याच्यामध्ये हिरो होंडा स्प्लेंडर दुचाकी वाहन चोरीला गेलेलं होतं। ही चोरी आमच्या DB पथकाने उघडकीस आणलेली आहे। मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद हुसेन अन्सारी वय 25 वर्ष राहणार वांजरी वस्ती यशोधरा नगरच्या हद्दीत राहणार हा आरोपी आहे। या आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याकडनं एकूण आम्हाला 6 वाहनं डिटेक्ट झालेली आहे। 6 वाहनं आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे। आरोपीने वाहन चोरी मॅक्झिमम मेयो हॉस्पिटलच्या परिसरातून केलेली आहे। मेयो हॉस्पिटलच्या परिसरातून गेलेल्या 3 गुन्ह्यांचे आमच्या DB पथकाने उघडकीस आणलेले आहेत आणि एकूण 6 वाहनं त्याच्याकडून जप्त करण्यात आली आहेत। मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद हुसेन आरोपीचं पूर्व रेकॉर्ड अजून दिसून येत नाही आहे, परंतु याची मोडस जी आहे हा गाडी वाहन चोरी केली की त्याच्या घरीच वांजरी वस्ती यशोधरा येथे जाऊन गाडीचे स्पेअर पार्ट्स मोकळे करून स्पेअर पार्ट्स विकून त्याच्यातनं तो पैसे मिळवत होता। स्पेअर पार्ट याला मेकॅनिकचं थोडंसं नॉलेज आहे, दुचाकीचं मेकॅनिकलचं काम हा करतो आणि त्याच्यामुळे तो स्पेअर पार्ट्स मोकळे करून स्पेअर पार्ट्स गाड्यांचे विकत आहे। आतापर्यंत एकूण 6 वाहने आणि स्पेअर पार्ट्स असं 1,95,000 मुद्देमाल रिकवर झालेला आहे। आरोपी अटकेत आहे, 3 दिवसाचा त्याचा PCR आहे, अजून त्याच्याकडे पुढील तपास बाकी आहे। गौरतलब रहे की नागपूर शहर में इन दिनों चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही है। हैंडलॉक करने के बावजूद चोर बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दे रही हैं। इनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।